हे गाइस, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग तीन प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ओवरफ्लो, बॉक्स शैडो और बॉर्डर रेडियस। तो चलिए ओवरफ्लो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए सेम HTML लिया है मैंने, लास्ट वीडियो से जो भी लास्ट वीडियो में रखा था वैसे ही रखा है। और यहाँ पर देखिए इसको लेआउट भी हमारा सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए ओवरफ्लो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वजह से कॉलम टू में जो है थोड़ा सा मुझे कंटेंट बढ़ाना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव किया। और देखिए यहाँ पर कंटेंट बढ़ जाता है। बढ़ जाने से देखिए फिर से एक बार यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। कॉलम फाइव में जाके हमें करना क्या है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो देखिए कॉलम फाइव में फिर से मुझे जाके क्लियर करना पड़ेगा फ्लोट। देखिए चौथे में फ्लोट है, सब में फ्लोट है अभी। तो इसको जाके मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लियर लेफ्ट, तभी देखिए यहाँ पर नीचे चला आएगा, राइट, कॉलम फाइव में। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और कॉलम फाइव में जाके हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है, क्लियर लेफ्ट। ओके, सेव किया मैंने। लेफ्ट क्यों, बिकॉज यहाँ पर सभी को लेफ्ट है। चलिए ये आपका देखिए नीचे चला आएगा, ठीक से दिखाई देगा अभी। अब चलते हैं हमारे ओवरफ्लो वाले यहाँ पर इस सिचुएशन पे। तो ओवरफ्लो क्या है, देखिए अभी फिलहाल तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा ये। तो ओवरफ्लो करने के लिए आपने सीखा हुआ है मैक्स मैक्सिमम हाइट, या फिर आपने देखा है मिनिमम हाइट, वो सारी चीजें। तो सिंपली करना क्या है, कॉलम टू को जाके लगाना है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट। देखिए एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप यहाँ पर ओवरफ्लो यूज करना चाहते हो तो उसको हाइट लगना जरूरी है। अगर हाइट नहीं होगा तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर हाइट लगा रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपली हाइट भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मैक्स हाइट लगा रहा हूँ। बोल रहा हूँ मैक्सिमम 200 हाइट होनी चाहिए, भले आपका कंटेंट ज्यादा हो चलेगा। तो ये ओवरफ्लो करने लगेगा, इसका मतलब ये होता है, देखिए टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रही है। तो इसको हैंडल करने के लिए ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी आती है। तो ओवरफ्लो कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिंपली देखिए मुझे क्या चाहिए, अगर ये टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रही है तो मुझे यहाँ पर एक स्क्रोल बार आना चाहिए जो वर्टिकली आता है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी लिखना है आपको, देखिए ओवरफ्लो लिखना है और यहाँ पर ऑटो लिख देना है, सिंपल। सेव करता हूँ और देखिए ऑटो करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रोल बार मिल जाएगा आपको। ऑटो क्या करता है, देखिए ओवरफ्लो में दो टाइप्स के ये होते हैं, दो प्रकार के साइड्स होते हैं। साइड्स मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में स्क्रोल अगर चाहिए तो सिंपली ऑटो लिख देना है, मतलब दोनों बाजू, ये अभी जो हम लोग लिखा है इसका मतलब दोनों बाजू आप ऑटो कर दो, एक्स भी और वाई भी। तो ऑटो करने से ये देखिए ऑटो में कंटेंट ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ पर स्क्रोल मिल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मान लो सिर्फ आपको वाई में ही लगाना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा वाई एक्सिस हाइफन वाई, सेव किया। तो यहाँ पर देखिए फिर से स्क्रोल ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि स्क्रोल नहीं लिखोगे तो बेचारा, स्क्रोल लिखोगे तो भी यहाँ पर चलने वाला है। मैंने स्क्रोल लिखा वाई के लिए, तो यहाँ पर देखिए वाई का स्क्रोल सिंपली आ रहा है। अगर मान लो आपको एक्स में भी स्क्रोल बार का स्क्रोल चाहिए तो सिंपली आपको लिखना क्या पड़ेगा, एक्स में जाके स्क्रोल लिखना पड़ेगा। सेव किया मैंने, जैसे देखिए स्क्रोल लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रोल बार मिल जाता है। लेकिन आपका कंटेंट जो है हॉरिजॉन्टली ज्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर स्क्रोल बार मिलता नहीं, लेकिन कम से कम आपको UI दिखता है, ठीक है। तो एक ध्यान में रखना है, जब भी एक्स चाहिए तो आपको सिंपली लिखना है हाइफन एक्स से होता क्या, हाइफन आपकी जो एक्स एक्सिस है उसके लिए ये वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप, और एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर हिडन रखते हो और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिर भी यहाँ पर वाई स्क्रोल कर देगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, चाहे तो देख लो अगेन, आपको ये स्क्रोल मिल जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके गाइज, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो वैल्यूज है हम ओवरफ्लो के साथ यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो में स्क्रोल देखा, हिडन देखा, ऑटो देखा, विजिबल रहेगा। विजिबल मतलब वही चीज जो पहले थी, मतलब इसको अगर मैं निकाल दूँ तो इसका ये विजिबल हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर मैं फिर से देखिए हिडन कर देता हूँ और वापस से यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। एक्स में निकाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ दोनों जो है विजिबल करिए। सेव किया मैंने, दोनों का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सेव किया। और देखिए फिर से यहाँ पर आपके विजिबल हो जाएगा, मतलब ओवरफ्लो करने लगेगा। तो ऐसा कब लिखना है तो वो, इसके लिए भी विजिबल करके आपके पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैंने सेव किया और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए नीचे भी सेम क्लास है, इसके लिए वैसे ही दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो मैं काम करता हूँ, इसको ओवरफ्लो जो है वो हम लोग ऑटो करके रख देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश।
तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरफ्लो तो हम समझ गए कि भैया क्या है कैसे है सब सीख गए, अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देखते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस के लिए मैं अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना है, कॉलम वन में जाना है हमें। कॉलम वन में मैं एक डिव लेता हूँ सर्कल नाम से, ठीक है, CIRCLE, और इसमें मैं एक इमेज लेना चाहता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, logo.jpg, और विड्थ में मैं बोलूंगा मुझे चाहिए 100%। मैंने सेव किया, और जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब बस मुझे करना क्या है, इसको बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस का मतलब देखिए, अगर ये इमेज है तो मैं एक काम करता हूँ, इधर जाके सीधा हम लोग लिख देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या इमेज पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई होती है वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, मैं सर्कल के अंदर जो इमेज है उसके लिए लिख रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ border-radius, और वो होता क्या है वो पहले देख लो। तो यहाँ पर मैं सिंपली 15 पिक्सल लिख रहा हूँ, मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको ये बॉर्डर जो है उसके थोड़े से राउंडेड शेप में हो चुके हैं। तो ये बॉर्डर रेडियस कुछ ऐसा कमाल कर देता है, मतलब ये जो बॉर्डर है आपके हैंडल करता है। देखिए इसको मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके यहाँ पर ही बता देता हूँ सामने सामने, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए मैं 15 पिक्सल बोल रहा हूँ, तो ये अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वहां पर, यहाँ पर आपका इफेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये राउंड शेप में आपको एजेस मिल जाते हैं, इसीलिए यूज होता है ये बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी। अभी समझ में आ गया आपको। तो और एक चीज बता दूं, इसमें देखिए चार वैल्यूज होते हैं, जैसे मार्जिन पैडिंग में हम लोगों ने देखा था चार, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो इस तरह भी आप लगा सकते हो। सिंपली सेव किया देखिए चारों साइड से, तो होगा क्या, ये सेम है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने इसको 35 कर दिया, तो ये वाली जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए, मैं इसको 0 कर देता हूँ, और बॉटम जो है इसको भी हम लोग 0 कर देते हैं। सेव करता हूँ तो देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, तो ये भी चीज आप कर सकते हो बॉर्डर रेडियस के जरिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो परफेक्ट सर्कल भी बना सकते हो। सिंपली यहाँ पर मैं इसको बंद करके फिर से लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और मैं यहाँ पर 50% लिखता हूँ। सेव किया मैंने, तो देखिए आपका परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सिंपली 50% लिखना है। अगर मान लो आपकी जो इमेज है, अभी देखिए मेरी जो इमेज है इसकी नेचुरल हाइट भी जो है 176 बाय 176, यानी दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो मान लो ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पर विड्थ और हाइट सेम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेम है तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, जब भी बॉर्डर रेडियस वाली अगर आप इमेज डालोगे तो हमेशा हाइट और विड्थ उसकी सेम रखिएगा। या फिर ऐसा कभी होता है मतलब पॉसिबल नहीं होता है, तो सिंपली आपको यहाँ वहां पर जाके विड्थ और हाइट मेंशन करनी है सेम टू सेम, बस यही है। तो बस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर रेडियस जो है कुछ इस तरह काम करता है इसका। अगर ये इसमें आप बैकग्राउंड अगर डालना चाहते तो वो भी डाल सकते हो सर्कल के लिए पीछे, अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको काम करना है तो। तो बेसिकली सिंपली अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर रेडियस जो है सिंपली कुछ इस तरह काम करता है, एजेस जो होते हैं आपके वो राउंड करने का काम करता है, बस यही होता है इस प्रॉपर्टी में। ओके गाइस, तो आई होप अभी ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है, देखिए यहाँ पर बॉर्डर टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉर्डर बॉटम राइट, और यहाँ पर देखिए बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, तो ये वैल्यूज भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये सारी वैल्यूज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज देखिए आपके सामने वीडियो में है, आप यहाँ पर से देख के आपकी वीडियोस में आप करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएंगी। बॉर्डर टॉप लेफ्ट मतलब सिंपल सा एक ही मैं दिखाता हूँ। चलिए बॉर्डर टॉप लेफ्ट का मतलब क्या है इसको निकाल देते हैं, मैं सेव करता हूँ। तो देखिए फिर से यहाँ पर देखिए इमेज है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस जो है वो मुझे चाहिए मान लो 50 पिक्सल्स चाहिए। सेव किया तो बस सिंपली एक ही साइड वो 50 पिक्सल कर देगा। तो ऐसा अगर आप चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, अगर ऐसी आपको यूज करनी है तो ऐसी भी यूज कर सकते हो। हालांकि ये कोई यूज नहीं करता, आपको सिंपली लेफ्ट देना है, तो यहाँ पर सिंपली ये आपको बहुत इजी समझ में आ जाता है। तो अगर आपको सिर्फ लेफ्ट में ही देना है, और मैं बोलूंगा यहाँ पर 50 पिक्सल, देखिए ये काफी आसान है समझने में। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये हम लोग लिखिए, राइट। तो मैं सेव करता हूँ, देखिए सेम यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा। सॉरी, मैंने लेफ्ट में लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था टॉप में, या ये टॉप लेफ्ट है ना, तो टॉप लेफ्ट है ये वाला, तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट के लिए मैं इधर लिखूंगा 50। तो देखिए सेम इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो
तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ही बता दिया, आप ये तो देख लो और प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सेव करके रख देता हूँ इसी तरह। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रख देता हूँ मैं, और यहाँ पर हम लोग बॉक्स शैडो देखेंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस समझ गए, हम लोग ओवरफ्लो देख लिया, अब बॉक्स शैडो देख लेते हैं। बॉक्स शैडो में देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर ये भी चलो मान लो एक बॉक्स की तरह ही है इमेज जो है, इसको भी हम लोग शैडो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बॉक्स हाइफन शैडो, और यहाँ पर चार वैल्यूज होती हैं, जो 0 पिक्सल लिख रहा हूँ मैं, 0 px, 0 px और 0 px, और यहाँ पर कलर दे सकते हो। और इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ, देखिए पहला जो है यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टली घुमा सकते हो प्लस माइनस में, इसको आप वर्टिकली भी घुमा सकते हो प्लस माइनस में, और ये जो है आपका ब्लर है और ये जो है आपका स्प्रेड है। तो ये काम कैसे करता है मैं अभी समझाता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, अभी कुछ दिखेगा नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ से मैं उसको चेंज करके बताता हूँ, तो यहाँ से काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने बॉक्स शैडो, आई होप आपको ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिए जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ये राइट में जा रहा है, और अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में चला जाता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। हॉरिजॉन्टली अगर ऐसा कुछ शेडो आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो। तो मैं इसको 5 रख देता हूँ राइट में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और इसको टॉप बॉटम, देखिए ये टॉप बॉटम चलता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर इसको मैं टॉप बॉटम, चलिए बॉटम रख देते हैं 5 पिक्सल। ओके, ये जो है आपका ब्लर है, मतलब कितना ब्लर करना है देखिए आपको, इस तरह ऐसा कुछ कर सकते हो, या फिर शार्प रखना है तो सिंपली 0 रख देना है, तो 0 में वो शार्प भी दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ब्लर हो जाए और इसको कुछ 10 पिक्सल लगा दो मैं। और ये कितना स्प्रेड करना है, आपकी शेडो कितनी स्प्रेड चाहिए आपको, इसके लिए नंबर है। तो ये सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हो। और दूसरी और एक चीज है आगे, देखिए यहाँ पर मुझे स्प्रेड 0 रखना है, और यहाँ पर आप RGB वगैरह सब चीजें लगा सकते हो, कलर कोई भी टाइप का आप लगा सकते हो। तो अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ग्रे में चाहिए तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पर ग्रे दे दो मुझे। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का आउटपुट निकल के मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर रेड चाहिए तो आप रेड लिख सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए आप लगा सकते हो। तो सिंपली यही है बॉक्स शेडो, और यहाँ पर जाके सिर्फ यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके पहले चेक करना है आपको, फिर यहाँ से सीधा कॉपी कर लेना है और आपके यहाँ पर कोड में डाल देना है। तो उससे क्या है, आपका टाइम बच जाएगा और डबल काम नहीं होगा। तो मैंने सेव कर लिया, तो आप देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन ये जो ब्लैक था वही थोड़ा सा ठीक दिख रहा था, तो हम लोग ब्लैक ही रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ शेडो का इफेक्ट मिल जाएगा, और ये प्रॉपर्टी बॉक्स को शेडो देने के लिए काम आती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको इमेज को ही देना है, आप कॉलम में दे सकते हो, किसी भी एलिमेंट पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको ये तीनों चीजें अच्छे तरह से यहाँ पर समझ में आ चुकी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।